आप चूंकि गिरदी साहब खुद इस बात के विटनेस हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे ऐसे बहुत सारे काम करवाए कि दूसरे लोगों के पास भी मौके थे, वो नहीं कर सके। हम इसमें कहते हैं कि नीयत का इखलास था। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब का जो दौर है वो एक ऐसा शख्सियत है, आज़ाद कश्मीर की सियासत में उनके बड़े असर थे। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दूसरी लीडरशिप थी, उसमें गाजी मिल्लत हूँ, के एच खुर्शीद हूँ, सालार जमहूरियत, तामीर और तरक्की के हवाले से आप जनरल एजाज खान को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मैं ये समझता हूँ कि जो आपका हुकूमती स्ट्रक्चर है, क्योंकि तो अगर आप स्टेट काउंसिल से जब 1970 से आगे बढ़ते, 1970 तक का एक मतलब डिफरेंट आ रहा था, लेकिन 70 के बाद का जो है आपका पार्लियामानी निज़ाम भी है, आपका उस वक्त अबूरी आपका एक एक्ट आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब वो मतलब एक्ट से निकल के अब कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हाल इख्तियार कर गया। उसमें यह है कि आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है उसमें मैं ये समझता कि उन्होंने बड़ा काम किया, मतलब ये वजारतों के हवाले से, महकमों के हवाले से। शायद कई और ऐसे लोग जो मतलब है कि बहुत कुछ दावे करते नहीं कर मतलब है कर सकते, उनको चांस भी मिले, लेकिन ये अगर आप उसकी गहराई में जाके देखेंगे इस हवाले से बड़ा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर था। और उनके हवाले से ये मतलब है छुट्टी, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारी जो कैप्टन राजा सरोज शहीद का आपने कहा, हमने न सिर्फ छुट्टी अनाउंस करवाई बल्कि एजे के पुलिस ने चकोठी से उड़ी की तरफ जो है सलामी भी दी। और मैं ये समझता हूँ कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने जो उनके कारनामे होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनको याद भी करते हैं। ना किसी की कुर्बानी, ना किसी की जद्दोजहद से इनकार करना चाहिए। आप किसी को माइनस करके आप खुद बड़े नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब का जितने भी रोल है कश्मीर के हवाले से भी, आज़ाद कश्मीर की सियासी निज़ाम के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के हवाले से, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो हम कर सके, पिछली दफ़ा हमने खुद उसमें शामिल होके उनकी बरसी के हवाले से हमने वहाँ पे उसका अरेंजमेंट किया था। तो ये सब लोगों को मतलब एक दूसरे की ताज़ीम और तकरीम और जो अच्छाई वाला पहलू है उसको आगे लेके चलना चाहिए।